था गैराज में वैन के लिए, अब आ रहे हो तुम? अब जी वो आप ही का सामान ले जाना। जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की, रोज करती हूँ, समझे आप? जी अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मेम साहब कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है सामान ले आओ, पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? बिजली भर के छोकरे एडवांस मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए, जब तक लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं? दे रही हैं। जी ये एडवांस। एडवांस ले आओ सामान। अरे लैंप संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए हो गए। खानी जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो मैं ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब गाड़ी के दो ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे, आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है, एक काम कीजिए मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैंप संभाल के। क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मैम। जी मैम। ए बनरिया ये ले केला, खले खले। अरे 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 मेम साहब बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैंप। रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस यस। क्या चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए कल आप आई नहीं इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब बात है, बम्बई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है, अब ये बताइए क्या आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बम्बई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबेरॉय, हॉलिडे इन, जहाँ कहीं वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं 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 मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा, कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know? अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं, आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं तो क्या हुआ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो कहाँ है जगह? जगह देख लीजिए।